जन कल्याण सेवा समिति की ओर से चेयरमैन विजय पासी की अध्यक्षता में मॉडल टाउन स्थित कपड़ा बैंक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर वासियों द्वारा दिए गए गर्म कपड़ों को जरूरतमंद लोगों में वितरित किया गया। जानकारी देते हुए विजय पासी ने बताया कि समिति का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है, जिसके लिए समिति वचनबद्ध है। इसी के साथ साथ उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे मॉडल टाउन स्थित कपड़ा बैंक में गर्म कपड़े भेजें ताकि वे जरूरतमंद लोगों के काम आ सके। जन कल्याण सेवा समिति, जिसका मकसद ही लोगों की सेवा है, जन कल्याण सेवा समिति ने विद्या एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग के साथ मॉडल टाउन चौक में एक कपड़ा बैंक खोला हुआ है। आज यहाँ पे हमने लोगों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैं लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि अब हमें जितने भी लोग कपड़े डिपॉजिट कराएं, वो गर्म कपड़े कमाएं, क्योंकि अब सर्दियों का सीज़न है, ठंडे कपड़े लोग लेते नहीं, गर्म कपड़े ही लोगों की डिमांड है। क्योंकि हमने जहाँ भी जाके कपड़े बांटने होते हैं, वहाँ पे अब गर्म कपड़ों की डिमांड आ रही है। इसलिए मेरी लोगों से प्रार्थना है कि मॉडल टाउन रिक्शा वाले चौक के पास ही हमारा कपड़ा बैंक खोला हुआ है, वहाँ पे गर्म कपड़े जमा कराएं, और गर्म कपड़े भी ऐसे हों जो कि साफ़ सुथरे हों, जो किसी के पहने के काम आ सके। विद्या एजुकेशन सोसाइटी और जन कल्याण सेवा समिति दोनों का उपराला है कि जरूरतमंद परिवारों को, जो कि गर्मियों के मौसम में गर्मी के कपड़े, सर्दियों के मौसम में सर्दी के कपड़े दिए जाएं। ये बहुत ही बड़ा उपराला है। मेरी शहरवासियों से निवेदन है कि सर्दी का मौसम है, आपके पास जितने भी गर्म कपड़े हैं वो हमारे मॉडल टाउन में जो बैंक बना हुआ कपड़ों का, वहाँ पे डिपॉजिट करवाएं, ताकि हम लोग किसी के काम आ सके, कपड़ा किसी के काम आ सके। जय हिंद, जय भारत।